बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सानिया गुल। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अगले साल के लिए भी 1 लाख लैपटॉप रखे गए हैं। जो भी हुकूमत आएगी वो मेरिट की बुनियाद पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेगी। वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस सिंध में तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज पूछना चाहता हूँ कि माजी करीब की हुकूमत में $3 अरब 4% पर बड़े बड़े कारोबारी हजरात को दे दिया गया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि तुलबा, किसानों और दुकानदारों का ख्याल क्यों न रखा गया। हम सबको मिलकर ये निज़ाम तश्कील देना है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात इत्तेहादियों में डेडलॉक बरकरार। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 230 में चंद तरामीम पर इत्तेफाक। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और 6 फरीकी माहिदों का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत को नए माहिदे करने का इख्तियार नहीं होगा। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब 10 करोड़ कर्ज मुअख्खर करने की मंजूरी दे दी। चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मुअख्खर किया। इस सिलसिले में चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। तमाम कर्ज माहिदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तोसी कर दी गयी। अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। कराची वालों के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे महंगी। तारिफीन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तारिफीन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करना होंगी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील निपटा दी। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। हाई कोर्ट को कह रहे हैं, आपकी अपील और तमाम दरख्वास्तों का एक साथ फैसला करें। अदालत के रिमार्क। पाकिस्तान IMF माहिदे की पासदारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी कर्ज दहिंदगान को यकीन दहानी। कहा, न सिर्फ निगरान सेटअप बल्कि आइंदा मुंतखब हुकूमत भी IMF के साथ किए गए हालिया माहिदे पर अमल दरामद करेगी। तालाब जदगान के लिए दिए गए फंड्स को मुनसिफाना तरीके से खर्च किया जाएगा। कराची डिफेंस में फायरिंग से रुकने सिंध असम्बली का भाई और भतीजा जाँ बहक। फायरिंग से गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। इतराफ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां लगी। फायरिंग के वाके में इलाही बख्श अबड़ो महफूज रहे। दरियाई रावी में पानी का बहाव तेज। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और भावल नगर के इजला मुमकिन सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। दरियाई सिंध और चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, तौंसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां। मुल्क भर में 150 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा 66 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 41, बलोचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। कोलंबो टेस्ट, पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। पाकिस्तानी टीम को 103 रन की बरतरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, कैरियर की 4थी सेंचुरी जड़ दी। साउथ शकील के नाम भी बड़ा आजाद। साउथ शकील ने इब्तदाई 7 टेस्ट में मुसलसल 50 कर डाली। 7 टेस्ट में 50 स्कोर करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। हेडलाइंस आपने जान दी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना है।